अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं इस व्लॉग में मतलब बहुत सारी चवलें भी मारूंगा। प्लीज़ अगर कोई इस्लामी भाई ने मेरा लाइक किया हुआ है तो वो प्लीज़ इस बात को भी समझेगा, क्योंकि हमारी आवाम एंटरटेनमेंट भी चाहिए चाहती है। तो इस हवाले से मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि अगर नहीं डालोगे कुछ भी मसाला जात तो आपके चैनल को कोई देखेगा ही नहीं। तो इवन हमारे मौलाना साहब थंबनेल जो बनाते हैं वो इस तरह का बनाते हैं कि जो नौजवान नस्ल है वो उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैं ये क्या कि मौलाना ऐसी बात गंदी बात कर रहे हैं तो फिर जाके उसको व्यूज़ मिलते हैं। तो भाई इसलिए मिक्स कंटेंट डालूँगा तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा मैं आपको ना एक वाक़या सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मोबाइल का नया नया दौर था, स्टार्ट हुआ था, तब की बात है। अब तब मैं भी टीनेज में था। तो एक रिक्शे से ना लड़कियां बैठी हुई दो तीन, उन्होंने ना नंबर फेंका। मैं और मेरा दोस्त खड़े हुए थे, मैं बड़े परेशान, हम बड़े हैरान और परेशान, बड़े खुश भी हो गए। और दोस्त मेरी तरफ देख के गए, वाह यार तुझे नंबर फेंका। मैं क्या है, दोस्तों ने उठाया साथ ही नंबर मिला लिया। अच्छा आगे सुने क्या हुआ। नंबर उठा के उसको कॉल मिलाई तो आगे से लड़का। हम परेशान सारे कि यार नंबर लड़की ने फेंका है, ठीक है, और लड़की ने अपना ही फेंकना नंबर, वैसे उसको क्या मुसीबत पड़ी कि हमें नंबर उसने फेंक दिया। तो जनाब साहब उसको लड़के से पूछा कि जना ये तुम्हारे, ये तो लड़की ने हमें नंबर दिया। वो कहता यार मैंने तो इसको दिया है कहता मैंने इसको नंबर सेंड किया, ये रिक्शे में फेंका है, इसने आगे आपको फेंक दिया। तो यार हमने उसी वक्त वो नंबर फाड़ा कर खत्म किया। मैंने कहा लो जी वो तुम्हारा नंबर दिया वो उसने हमें दे दिया, दोनों के साथ गेम हो गई। तो भाई इस तरह के ड्रामे होते रहे आजकल, तो अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह माफ़ करे। आजकल तो हम मुखालफत करते हैं इस चीज़ की कि इतना दौर खुल गया यार, इतना दौर खुल गया कि खीर हो गई, अल्लाह ही माफ करे। आजकल तो पनाह मांगते हैं भाई इस तरह के कामों से, कि लड़कियों की कोई हदबंदी नहीं, लड़कियां भी वैसे ही हो गई जैसे लड़के थे। लड़के तो मर्द जात तो शुरू से ही वैसी है यार, ठीक है, इसको बदल नहीं सकते हो आप। पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव भी पॉजिटिव की चार्ज की तरफ जाना शुरू हो जाए तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है, कोई रुकावट नहीं रहती। खैर तब ये इस तरह की चीज़ें ना बहुत हंसी मजाक वाली होती थी कि किसी लड़की ने आपकी तरफ देख लिया, सारे सब ने देखना हुआ उसने आपकी तरफ देखा, ठीक है। किसी लड़की ने आपका आपको आके बुला लिया, सब ने कहना वाह यार ये बात हुई ना। तो तब के दौर में ये ना लुका छुपी काम था, अब अन्ने वाह हो गया। अब कोई ना तो इस चीज़ में चाम है और ना ही ये चीज़ अब अच्छी रही है, अभी ये डेंजरस चीज़ बन गई हुई है। आप कहते हो ना कि इस चीज़ की क्यों मुखालफत कर रहे हैं ये सारे, भाई आपके पास जिसका मोबाइल नंबर है ना, अब उसके पास बेशुमार आपके जैसों का नंबर है, ठीक है। उसने क्या करना है, उसने बेशुमार यूज़ करने हैं नंबर, ठीक है। आपके साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, आपने उसको तड़ियां लगाई ये वो कि तुमने ये बेपर्दगी की तो मैं मतलब तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। उसने 3600 यार पहले बनाए होते हैं,
आपके पास ऐसा सा बंदा भेजेगी, आप हैरान परेशान हो जाओगे। तो ये उस दौर की जो थी ना वो औरतें, वो इस तरह की थी, ठीक है। और उस दौर में ये इस तरह की औरत को बहुत ही बेहुदा समझा जाता था, जिसके बेशुमार ताल्लुकात होते थे। और आज आप खुद हिसाब लगा लें कि क्या सीन बन चुका हुआ है कि हर लड़की के मोबाइल में इतने इतने नंबर्स होते हैं, ठीक है, और सबके साथ उसका कांटेक्ट होता है भाई। इसलिए सारे सबको कहा जा रहा है कि यार बैक ऑफ करो इस काम से, ये काम बहुत डेंजरस हो रहा है। आप खुद एक लड़की को इतनी ताकत दे देते हो कि वो माशरा जकड़ लेती है। एक लड़की खुली फिर रही है, ठीक है, माशरे में वो फसाद फैला रही है, सारा कुछ कर रही है, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं। रोकने टोकने वाले को तो जो दूसरे उसके चाहने वाले ना, वो उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं। कैसे? वो एक के पास जाती है, वो समझता है कि पता नहीं मैं ही इसका सारा कुछ हूँ, ठीक है, इसने आके मुझे काम का। वो ऐसा जाहिल होता है, वो दूसरे बंदे की जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, ठीक है, उसके मुखालिफ, उस लड़की के मुखालिफ बंदे की। ये नहीं सोचता कि पता नहीं क्या हुआ होगा इन दोनों के दरमियान, झगड़ा क्या हुआ है क्या नहीं, वो बस अंधाधुन उसकी मुखालफत करते हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना सही, और भी बहुत कुछ बोलूँगा लेकिन अगले व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़। मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।